नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय पीटी की परीक्षा के प्रथम पाली में जो 23 दिसंबर को परीक्षा हुई थी पीटी की, उसे क्वेश्चन पेपर लीक होने को लेकर बीएसएससी ने उसे कैंसिल कर दिया है। मगर आवाज लगातार उठ रही है कि तीनों जो सीटिंग है उसको कैंसिल करना चाहिए, और इसे लेकर विधायक संदीप सौरभ ने भी मांग रखी है, और उन्होंने क्या कुछ कहा है आप खुद सुने। दोस्तों, कुछ दिनों पहले जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा ली गई, जिसमें सचिवालय सहायक और तमाम पदों पर बहाली होनी थी, उसमें प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया। आप सब लोग जानते होंगे, सोशल मीडिया में, अखबारों में, सब जगह पे आया मामला। तो प्रश्न पत्र लीक हुआ ये आयोग स्वीकार कर रहा है, लेकिन उसके बाद आयोग की तरफ से जो रिस्पॉन्ड है कि सिर्फ हम पहली पाली की ही परीक्षा को रद्द करेंगे, दूसरी और तीसरी नहीं करेंगे, ये समझ से परे है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम मानते हैं कि जब पहले पेपर में ही, पहले शिफ्ट में ही जब प्रश्न पत्र आपका लीक हो जाता है, तो दूसरी परीक्षा और तीसरी परीक्षा जब आप ले रहे हैं, उसी एग्जामिनेशन का सेकेंड और थर्ड शिफ्ट जब आप ले रहे हैं, तो उसमें तमाम अभ्यर्थियों के ऊपर एक मानसिक दबाव रहेगा। तो इसलिए उन परीक्षाओं को भी रद्द किया जाए, और आप कह रहे हैं पहली पाली का प्रश्न पत्र लीक हुआ, ये तो आप पकड़ लिए। संभव है कि दूसरी पाली का भी रद्द पेपर लीक हुआ हो, तीसरी पाली का भी लीक हो सकता है। तो इसलिए इस पूरी परीक्षा को सबसे पहले रद्द किया जाना चाहिए, और उसके बाद प्रश्न पत्र लीक कहां से हो रहा है, संस्थागत ऐसी कौन सी कमियां रह जा रही है आयोगों के भीतर, या कहां ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी मिलीभगत से, जिनकी जिनके सेटिंग से प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। क्योंकि ये बात सच नहीं है कि अभ्यर्थी जो है वो कोई मोबाइल लेकर के गया और प्रश्न पत्र बाहर चला गया, क्योंकि इस बात के भी सबूत मिले हैं कि ये परीक्षा से पहले से ही प्रश्न पत्र जो है वो सोशल मीडिया में चल रहा था, लोगों के पास आ चुके थे। तो इसलिए सरकार इस पे ढंग से सीबीआई जांच करवाए, नीतियां कुछ इस तरह के बने बिहार के अंदर कि आयोगों में ये जो सेटिंग चल रहा है या प्रश्न पत्र लीक जैसी घटनाएं हो रही है, ये सब बंद हो। तो ऐसे लोगों की शिनाख्त करनी चाहिए, और आयोग के जो महत्वपूर्ण पद है वहां पे किसी भी पदाधिकारी को, किसी भी अधिकारी को लंबे समय तक मत बना के रखिए। तो उनको भी चेंज करते रहना चाहिए, उनकी उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए, आयोग की का भी जिम्मेदारी है। तो इसलिए सरकार संज्ञान लेते हुए इस पूरी परीक्षा को रद्द करे, एक तो ये मांग है। इस पे सीबीआई जांच हो और कुछ नीतिगत फैसले लिए जाए ताकि परीक्षा जो है वो पारदर्शी तरीके से और साफ सुथरे तरीके से हो। परीक्षा अच्छा होगा ये आम छात्रों के लिए भी बहुत जरूरी है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस तभी बना रहेगा जब उनको लगे कि वो जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो फेयर एग्जाम है। अगर संदेह हमेशा बना रहेगा कि हम जो परीक्षा दे रहे हैं कहीं इसमें सेटिंग तो नहीं चल रहा है, कहीं इसमें पेपर बिक तो नहीं रहे हैं, तो वैसे में अभ्यर्थियों का, आम छात्रों का कॉन्फिडेंस डाउन होता है। और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि इसको गंभीरता से ले, प्रश्न पत्र लीक हुए हैं तो सारी परीक्षा रद्द। धन्यवाद। तो सुना आपने, विधायक संदीप सौरभ ने साफ तौर से कहा है कि मानसिक तौर पर अभ्यर्थियों पर दबाव ये रहा होगा कि जो सेकंड सिटिंग और फिर दूसरे दिन यानी 24 दिसंबर को जिन्होंने परीक्षा दी है, अगर उनके प्रश्न पत्र लीक नहीं हुए हैं तब भी उन पर यह दबाव जरूर रहा होगा कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। ऐसे में जरूरत है कि तीनों सीटिंग की परीक्षाओं को कैंसिल किया जाए और ये संयुक्त स्नातक स्तरीय पीटी की परीक्षा को दोबारा लिया जाए। वहीं उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की है। इससे पहले छात्र नेता दिलीप कुमार ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया, तो वहीं गुरु रहमान ने भी पीटी की परीक्षा को कैंसिल करने की मांग की है। वैसे में देखना है कि सरकार से कर रहे इन सवालों का जवाब सरकार किस तरह से देती है और बीएसएससी आगे क्या फैसला लेता है। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर पर हमें फॉलो जरूर करें।